इधर शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल अंचल में एक नया रिकॉर्ड भी बन गया। प्रदेश गठन के बाद यह पहला मौका है जब इस क्षेत्र से प्रदेश सरकार में दर्जन भर 12 मंत्री हैं। अंचल के 8 जिलों में केवल श्योपुर को छोड़ दें तो 7 जिलों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला। भिंड जिले से अरविंद सिंह भदौरिया, ओपीएस भदौरिया, मुरैना जिले से गिरिराज दंडौतिया, ऐदल सिंह कंसाना, ग्वालियर जिले से प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, भरत सिंह कुशवा, शिवपुरी जिले से यशोधराजे सिंधिया, सुरेश धाकड़, गुना जिले से महेंद्र सिंह सिसोदिया, अशोकनगर जिले से ब्रजेंद्र यादव और दतिया जिले से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। इन 12 मंत्रियों में 3 नरोत्तम मिश्रा, यशोधराजे सिंधिया, भरत सिंह कुशवा बीजेपी से विधायक हैं, बाकी के 9 सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस शिवराज मंत्रिमंडल को दुविधा का मंत्रिमंडल करार दे रही है। वहीं बालाघाट से पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को दरकिनार करते हुए परसवाड़ा से विधायक रामकिशोर कांवरे को मंत्री बना दिया गया। इस पर उनके समर्थकों में काफी नाराजगी है। जनता बताएगी कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, पर धन्यवाद दूंगा शिवराज जी को कि उन्होंने ग्वालियर को पूरा प्रतिनिधित्व दिया है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि इतने अधिक लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मुझे भरोसा इससे इस अंचल के विकास को गति और मिलेगी। उनको बनाया गया है जो निश्चित हारने वाले हैं। हारने वाले तो सभी हैं, लेकिन उनमें से ये देखा गया कि किनकी हालत ज़्यादा पतली है, तो जिनकी हालत ज़्यादा पतली देखी गई उनको मंत्रिमंडल में लिया गया है। और आने वाला चुनाव बता देगा कि मंत्री में बनने से चुनाव जीतना कोई आसान नहीं है उनके लिए। सभी कार्यकर्ता खुश हैं और हमारे नेता आदरणीय गौरी भाऊ की सहमति से ही उन्हें बनाया गया, और इसलिए दुखी होने जैसा कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि वो उनके साथ सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है और युवा हैं, तो स्वाभाविक है खुश होने वाली बात ही। हमारे जिले को नेतृत्व मिला।